हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नंदा किचन। आज मैं आपको डिफरेंट टाइप का एक केक दिखा रही हूँ। मैं पहले भी एक दो टाइप के केक तुम्हें अपलोड किया है आपके लिए। आज एक डिफरेंट करने वाली, वो भी बहुत स्पंजी और अच्छा होता है, वो भी मैदा का ही है। तो आइए फ्रेंड, उसको उसमें क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। पहले तुम्हें एक कप मैदा चाहिए, 3/4 कप शक्कर है, शक्कर पाउडर मैंने करके लिया है, और 3/4 कप दूध है, आधा कप दही है, और बेकिंग पाउडर 1 स्पून, बेकिंग सोडा 1 स्पून, और ये वैनिला एसेंस, ये इतने सब लगते हैं। तो मैं पहले ये मैंने केक के लिए पॉट लिया है, इसको मैं पहले ग्रीसिंग करूँगी, और ग्रीसिंग करके ये प्री हीट करने के लिए रखूँगी, तब तक ये बैटर में तैयार करके लूँगी। पहले इसके नीचे भी ऑयल लगाना है। मैंने यहाँ बटर पेपर इसके साइज़ का कट करके लिया है। नीचे भी मैं ऑयल लगा रही हूँ और इसके ऊपर भी। अच्छी तरह सब तरफ पे ऑयल लगाना है। अब मैं प्रीहीट करने के लिए रखती हूँ। फ्रेंड्स, मैं इसमें पहले दही और 1/4 कप ऑयल है, इस दोनों को पहले अच्छी तरह से बीट करना है। अच्छी तरह से ये मिक्स होना चाहिए। इसके बाद मैं इसमें इस शक्कर डालूंगी। ये शक्कर इसमें अच्छी तरह से मेल्ट होने तक फ्रेज को बीट करना है। जो फ्रेंड्स, इसी कंसिस्टेंसी कैसी लग रही है। अब मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ। मैदा 1/4 कप है, 1 कप के ऊपर थोड़ा लिया है मैंने। आपकी एक कंसिस्टेंसी देख के ही दूध डालना है। मैं पहले थोड़े थोड़े दूध डाल के बीट करती हूँ, और चाहे तो फिर डालती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, और थोड़ा दूध लगेगा मेरे हिसाब से, ये सभी दूध लगेगा ही। अब इसमें मैं बेकिंग सोडा 1 स्पून और बेकिंग पाउडर 1 स्पून डालूंगी। फ्रेंड्स, मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ 1 स्पून, और ये है बेकिंग पाउडर 1 स्पून। अब इसी को अच्छी तरह हिलाना है। इसके बाद अब मैं इसमें वेनिला एसेंस 5-6 बूंद डालूंगी। अगर आपको अलग दूसरा कलर चाहिए तो आप कलर भी डाल सकते हो। मैं यहाँ येलो कलर डालूंगी। इसमें येलो कलर लिया मैंने। एक 4-5 बूंद येलो कलर डाला मैंने। हमारे बैटर तैयार हो गए। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको प्रीहीट करने जो किया प्रीहीट उस पॉट में डालूंगी। ये प्रीहीट हुआ है, अब मैं इसमें डालूंगी। मैं नीचे से टूटी फूटी डाल रही हूँ।
मैं ऊपर से भी टूटी टूटी डालूंगी। अब इसको मैं 20 मिनट तक रखूंगी। बेक ओवन में 150 सेल्सियस पर 20 मिनट रख सकते हो। अगर बाहर आप गैस पर रखते हो तो मीडियम फ्लेम पर एक 20 मिनट रखना चाहिए। तो चले कैसे होते देखते हैं। ये फ्रेंड्स मैंने ये प्रीट करने को रखा है। इसमें अब कुकर की जाली रख रही हूँ। बाद में इसमें एक केक रख के अब मैं इसको 25 से 30 मिनट तक रखूँगी। अब मैं इस पर ढक्कन लगाऊंगी। पच्चीस मिनट तक चेक करके देखना है। अब मैं 20 मिनट के बाद दिखाऊंगी तुम्हें। देखिए फ्रेंड्स हमारा केक रेडी हो गया है। आप देख सकते हो कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट हो गया है। अब मैं ये प्लेट में निकालूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स देखिए हमने जो टूटी फ्रूटी डाला है वो कितना अच्छा दिख रहा है। मैं आपको अब कट करके दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट स्पंज हो गया है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू फ्रेंड्स।